नमस्कार, रामदेव स्ट्रॉंग हिंग प्रस्तुत आम्ही सारे खवय्ये जोडी तुझी माझीच्या या भागात सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. परवा काय झालं, माझ्या चुलत भावाचा मला फोन आला बरं का, अतिशय आणि गंभीरपणे म्हणजे चिंतेत असल्यासारखा फोन आला. तो मला म्हणाला की प्रशांत, अरे बघ काय प्रॉब्लेम झाला यार, हा ऋषी वेळच्यावेळी घरी येत नाही, माझ्याशी बोलत नाही, जरा बोलून बघ त्याच्याशी काय, व्हॉट इज दिस प्रॉब्लेम. म्हटलं ठीक आहे, मग मी ऋषीला फोन केला. म्हटलं काय ऋषा कुठे फिरतेस? म्हणलं नाही इथंच आहे काका. म्हटलं ये इकडे. मग आम्ही दोघे एका जॉईंटवर गेलो, मस्त चहा बी घेतला, फर्स्ट क्लासपैकी काहीतरी खाल्लं प्यालं. म्हटलं तू घरी का जात नाही, व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम? वेळच्यावेळी घरी जा ना, बाबा तिथे वाट बघतात तुझी. 9, 9:30, 10 घरी जातो असतो. पण नाही, मला तो काही प्रॉब्लेम नाही. माझा मेन प्रॉब्लेम असा आहे की घरचे सगळे माझ्या लग्न कर असं मागे लागलेले आहेत. आता मला सांगा प्रशांतदा, की समजा मी नाही लग्न केलं यावर्षी तर काय आभाळ कोसळणार आहे का? पुढच्या वर्षी करील ना लग्न. घरी गेल्यानंतर मला भीतीच वाटते या लोकांची, म्हणजे लग्न कर, दुसरं विशेष नाही घरात. म्हणजे मला तर भीती अशी वाटते की रात्री झोपेत इंजेक्शन देऊन उद्या सकाळी मला सांगतील की झालं तुझं लग्न. टेन्शन नको, मी आपलं बाहेरच राहतो, उशिरा जायचं घरी 9:30. मग मी ते ऋषीला सांगितलं की असंच आहे. त्यामुळे तो म्हणाल की असंच आहे. म्हटलं हे जे असं जे आहे ना मंडळी, जे आजूबाजूला आपल्या जगात फिरते, ते असं जे आहे ते कसं आहे, हे ह्यांच्या बाबतीत घडले का? मग मी एका तरुण जोडप्याला जे नुकतीच एंगेजमेंट झालेली आहे ते इथे बोलवलेलं आहे, आणि त्यांच्या बाबतीत हे असं कसं काही घडले का ते आपण विचारून बघूया. नमस्कार, वेलकम. नाव काय आपलं? यॉन कोचरी. आणि तुमचं? कोमल. कोमल, ओके. यू आर बेसिकली फ्रॉम? केरला से. आणि तुम्ही? मुंबई. बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन मुंबई. हे थोडं मराठी तुम्हाला येत असेल. आणि तुमचं बॉर्न अँड ब्रॉट अप केरला. सो म्हणजे मला तुमच्याकडून हिंदी बोलायला आवडेल. हिंदी प्रॉब्लेम नाही, मराठी समज नाही आता. बोलताना जरा थोडा बरं. आता हे तुम्ही केरळाचे, ओके, तुम्ही यू आर फ्रॉम केरला, ही मुंबईची. हे जमलं कसं घडेल? मैं पहले 2003 में आया था बॉम्बे में नौकरी के हिसाब से. उस वक्त उसको देख के गया क्या वापस? नहीं, गया नहीं उसके बाद. कभी गया नहीं. अच्छा, गया थे. ओके. उसके बाद हम लोग एक ही कंपनी में काम करते थे, तो हम लोग साथ में आना जाना रहता था, एक ही गाड़ी में. तो हम लोग साथ में जाता था तो देखता रहता था, मतलब आपस में देता था बाद में. एक दिन बहुत नज़दीकी फ्रेंड्स हो गया. फ्रेंड्स के बाद वो दिन कौन सा था? 2007. So now you are engaged. बरोबर है. ये आपकी जोड़ी जब जम गई 2007 में, पहला कदम किसने उठाया? आपने उठाया? इन्होंने उठाया? तो उसने किया. बोला तू सांगितलं? बर, आता मला सांग की हा केरळचा तू मुंबईची, संस्कृती मध्ये खूप फरक आहे, मग ते कसं काय जमलं? नाही, इसमें क्या हुआ की जैसे हम लोग साथ में टाइम गुजारने लगा, तभी ऐसा लगा, समझ में आया कि इसको जो पसंद जो है, जो खाने पीने के जो चीज़ें जो है, वो बहुत मिलते जुलते हम लोग का. तो सुबह ब्रेकफास्ट में इडली डोसा और डिश में, नॉर्मली बॉम्बे के लोग ज़्यादा राइस खाता नहीं है, लेकिन कोमल का तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी राइस. ओके. उसी से काफ़ी मेल है उसमें. तो ऑफिस में दोनों राइस लेके ही बैठते थे क्या लंच में? कैसे लेके जाते, नहीं तो ऑफिस ही खाता था. ओके. तो अभी घर वालों की तो आपका लव अरेंज है या लव है या अरेंज? अरेंज. लव अरेंज. तो व्हाट वाज द रिएक्शन? क्या थी? मेरे घर से थोड़ा टफ था, क्योंकि एक्सेप्टेंस, वो भी बॉम्बे के लड़की, मतलब बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है. तो उन लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी हुआ अप्रोच करने के लिए. बाद में मैंने कन्विंस किया. बाद में डैडी पहले बॉम्बे में काम करता था, थिंकिंग काफ़ी ब्रॉड थिंकिंग है. तो बॉम्बे मतलब बॉम्बे के लोग का जो थिंकिंग प्रोसेस जो है, जैसे कि वेरी ब्रॉड माइंडेड है, तो वो था. तो बोला तूने डिसाइड कर दिया, इट इज़ योर कॉल. तो माजी का कहना क्या था? मम्मी ने, शी हैज टू एक्ट विद रिएक्ट विद माजी भी. मम्मी का थोड़ा इनिशियल लेवल में थोड़ा दिक्कत हुआ था. बाद में बॉम्बे आया, कोमल को देखा तो खुश हो गए, एकदम कन्विंस्ड. तो अभी आप मुझे बताइए कि आपका गोल क्या है? अभी आपकी शादी कब है? नवंबर में. क्यों? थोड़ा सेटल होने का है. वो तो कभी भी सेटल नहीं हो सकते. शादी से पहले शादी करके सेटल नहीं होने का. शादी के अरे शादी के बाद भी सेटल नहीं होता आदमी, है कि नहीं? चलो तो अब हम किचन की तरफ मुड़ते हैं. आप क्या बनाने वाले हैं? मैं बनाने वाली स्वीट डिश. स्वीट डिश? अच्छा, फक्त त्यांच्यासाठी? हमारे साथ बनाना. ओके. मैं बनाने वाला हूँ केरला का, दो डेलिकेसीज है,
उसको बोलते हैं कप्पा तोरण बोलते हैं, वो बेसिकली टैपियोका करके एक चीज़ है, कप्पा केरला में कप्पा बोलते हैं उसको, उसी का एक डिश है। और दूसरा जो है वो स्ट्यू बोलते हैं, वेजिटेबल स्ट्यू, उसके साथ ऐड कर खा सकता है या दूसरे ब्रेड पाव इसके साथ भी खा सकता है। चला मग आपण जाऊ किचन कडे। दिल्ली वरून कोमल आणि कोचीन वरून यॉन असे दोन ध्रुवारचे म्हणजे दोन टोकाचे दोन प्रेमी आज आमच्या या खवयच्या किचन मध्ये आलेले आहेत। दोघांचे मनापासून स्वागत। मला एक सांग, तू म्हणजे आता तुला काय काय येतं बनवता, जेवण काय बनवता येतं? नॉर्थ इंडियन सगळं काय येतं, सगळं येतं। आणि साऊथ इंडियन मध्ये इडली डोसा। इडली डोसा बस तेवढंच जेवणाचा भाग। जेवणामध्ये काय आहे की नाही आपल्या साऊथ मध्ये खाना मी कुछ आहे क्या? इडली डोसा के अलावा क्या क्या है? अप्पम जो है, अप्पम, उसके बाद पराठा, पराठा भी मिलता है, मतलब अलग टाइप का परोठा बोलते हैं उसको। अच्छा। और उसके अलावा बहुत सारा नॉनवेज डिश भी बनाते हैं। ओके ठीक है, अब क्या बनाने वाले हैं आप? इसको बोलते हैं कप्पा तोरण बोलते हैं। कप्पा तोरण, कप्पा तोरण, कप्पा मतलब ये जो है वो केरला के एकदम डेलिकेसी रहते हैं। इसका काट, इसमें स्मॉल पीसेस काट काट के ऐसा बॉयल करते, बॉयल करके इसमें बॉयल करने के लिए छोटा पीसेस करके उसमें हल्दी का पाउडर, थोड़ा करी पत्ता और थोड़ा सा नमक डालते। ये बॉयल करने का टाइम ये सब डालने का? जी हाँ। ओके चलो देखते हैं। तो ऐसे साहित्य क्या क्या है सिर्फ आप बताइए क्या क्या है ये? इसमें कांदा, कांदा है, ये बॉयल किया हुआ कप्पा है, कप्पा है, और ये नारियल है, मस्टर्ड है, राई और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, यह चिली फ्लेक्स है, और यह है करी पत्ता, नमक, मिर्ची और हल्दी। क्या करें? अच्छा, पहले आप लोग को थोड़ा मस्टर्ड डालना पड़ेगा। मस्टर्ड डालेंगे, राई डालेंगे, जैसे उसका जो फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना पड़ेगा, एकदम थोड़ा सा कांदा, दो स्पून कांदा डालेंगे। जैसे उसको फ्राई हो जाएगा, फ्राई होने के बाद हम लोग को थोड़ा सा चिली फ्लेक्स जो है, चिली फ्लेक्स जो है एकदम, चिली फ्लेक इसके लिए यूज़ करें एकदम अच्छा सा फ्लेवर मिलता है, जैसे पाउडर होने के बाद एकदम उसका फ्लेवर चला जाता है, फ्लेक्स रहेगा तो एकदम चिली का। एक स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा कलर हो जाएगा उसके साथ, उसके थोड़ा सा हल्दी का पाउडर आधा स्पून डालेंगे, करी पत्ता, कोकोनट, ज़्यादा कोकोनट ज़्यादा डालने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी डालने के बाद ये जो कोकोनट मिल्क, कोकोनट या तेल जो है उसका फ्लेवर भी उसके साथ आ जाता है। उसके बाद हम लोग सीधा टैपियोका को इसमें डाल, मसाला अपना रेडी है, मसाला अपना रेडी है, सिर्फ नमक डालना, वो बाद नमक लास्ट में डाल देंगे। खवायला सांगू इच्छितो की ह्याच फळाला आपण साबुदाण्याचे जे दाणे आपण देतो ते ह्याच फळापासून निर्माण होतात, बरं काय? लास्ट मी दोन पिंच ऑफ नमक, तो अपना ऑलरेडी कप्पा तोरण क्या बात हो गया, रेडी टू ईट। जी हाँ। ये किसके साथ खा सकते हैं हम? इसके साथ हम लोग अप्पम के साथ खा सकते हैं, या चिकन का कुर्मा जो है उसके साथ खा सकते हैं, स्ट्यू के साथ खा सकते हैं। ओके, किसी के भी साथ अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट क्लास तयार झालेला, फक्त आता लिहून घ्यायच्या आधी मला तुम्हाला एक गंमत सांगायची आहे। बाय बर्थ जॉन हा ख्रिश्चन आहे आणि ती हिंदू आहे। मग लग्न होताना काही भांगडी झाल्यात का, आय मीन टू से एंगेजमेंट होताना काही चर्चा झाल्यात का, किंवा काय झाले का, हे मी त्यांच्याकडून काढून घेणार आहे। पण त्याआधी तुम्ही लिहून घ्या साहित्य आणि कृती। कप्पा तोरण बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य, कांदा, साबुदाण्याचा कंद, ओलं खोबरं, मोहरी, आलं लसूण पेस्ट, चिली फ्लेक्स, मीठ, हळद आणि तिखट। कृती, साबुदाण्याच्या कंदाचे तुकडे हळद, मीठ आणि कढीपत्ता लावून वाफवून घ्यावेत। कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये मोहरी, आलं लसूण पेस्ट, कांदा, चिली फ्लेक्स, मिरची, हळद, कढीपत्ता आणि ओलं खोबरं परतून घ्यावं। या मिश्रणात साबुदाण्याच्या कंदाचे वाफवलेले तुकडे आणि चवीनुसार मीठ घालून ते परतून भाजी सर्व्ह करावी।